पहले तो जागरूकता जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। हमें अपनी बेटियों को जागरूक करना है कि हिम्मत बढ़ानी है, उन्हें ये समझाना है कि अगर कोई भी तुम्हें बाहरी आदमी किसी प्रकार से परेशान करे तो अपने मन की बात को मन में मत रखो, उसे परिवार में आके जरूर से बताओ। और ये नारी शक्ति मिशन अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नवदुर्गा में 17 से 25 तक ये हमारा प्रोग्राम चलेगा। इसमें पूरे सप्ताह विभिन्न तरीके के आयोजन हर ब्लॉक में और शहर में सभी में आयोजित किए जाएंगे। उसका हमारे लिए चार्ट दिया गया है, चार्ट के हिसाब से हम लोग अपने कार्यक्रम करेंगे। आज उद्घाटन है इसका। सर, इससे वो अपनी सुरक्षा कर सकती हैं और उन्हें आना भी चाहिए। आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, लड़कियों के साथ ये आए दिन न्यूज़ पे आप देते रहते हैं, देखते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि लड़कियों को शिक्षित भी किया जाए और उनको ये सारी चीज़ें सिखाई भी जाए ताकि वो आगे आने वाले टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी है, तो उसको फेस कर सके, अपनी सुरक्षा कर सकती है। जैसे जूडो कराटे वगैरह है और उन्हें शिक्षित तो करना ही है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए जैसा कि हमारी मैम ने भी बताया, उनके अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ हो तो अपने गार्जियन से शेयर कर सकती हैं, बता सके ताकि खुल के बात कर सके। तो ये तभी हो पाएगा जब उनके अंदर ये जागरूकता हम लोग फैलाएंगे, तभी ये सब हो सकता है। ये हमारे नारी शक्ति का कार्यक्रम, ये इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका अभियान है, उसके बारे में ये सब हम लोगों का प्रोग्राम हो रहा है। हाँ, दहेज प्रथा है, जैसे महिलाओं पे बाल विवाह, इन सभी उसके उस पर हम लोगों का प्रोग्राम है। महिलाओं का शोषण है तो इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि मतलब बेटी को सुरक्षित रखो, मेन मतलब ये है। एकांतित हुए हैं कि बेटी को पढ़ाइए और बेटी को बचाइए, क्योंकि जब बेटी पढ़ी लिखी होगी तो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। पढ़ी लिखी बेटी अब होगी, इसलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।